आज भी पीएम मोदी का एक खास कार्यक्रम है। पीएम मोदी कुछ ही देर में लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना के लकी ड्रॉ के विजेताओं की घोषणा करेंगे। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। पीएम विजेताओं के नाम की घोषणा करेंगे और साथ ही पीएम मोदी एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे, जिससे डिजिटल लेन देन और आसान होगा। दोनों ही योजनाओं का मकसद कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इनाम वाली कई स्कीमों का ऐलान किया था। तो कार्यक्रम पर कुछ देर पहले पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं एक मोबाइल ऐप लॉन्च करूंगा, जिससे डिजिटल लेन देन आसान होगा और ये ऐप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट इस कार्यक्रम को लेकर, जिसका मकसद है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। और इस पर और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका मकसद यही है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए। एक तो दो योजनाओं का ऐलान किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, विजेताओं की तो घोषणा की जाएगी, उनको इनाम दिया ही जाएगा। ये जो मोबाइल ऐप का जिक्र, जो कि ट्वीट करके जानकारी दी भी दी है प्रधानमंत्री मोदी ने, ये मोबाइल ऐप है क्या? देखिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नीति आयोग ने कई तरह की स्कीमों का ऐलान किया था, उसी के तहत ये नया ऐप लाया जा रहा है, जिसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन आसान होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिन लोगों को अवार्ड प्रधानमंत्री की तरफ से मिलेंगे, पुरस्कार मिलेंगे, उसमें से वो गाँव भी हैं देश के जो कैशलेस पूरी तरह से बन गए हैं, जहाँ पूरी तरह से डिजिटल ट्रांजेक्शन होने लगा है। और जो इनामों का आज ऐलान है वो उन लोगों को भी है, उन व्यापारियों को भी है, जिन्होंने डिजिटल ट्रांजेक्शन व्यापार में किया है और इसको बढ़ावा दिया है। तो दो तरह के आज अवार्ड का ऐलान प्रधानमंत्री करेंगे और पुरस्कार देंगे ऐसे लोगों को। और ऐप, इसके पहले भी कई तरह के ऐप बैंक की तरफ से डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए, पेमेंट के लिए लाए गए हैं, और आज जो प्रधानमंत्री ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें भी इस पेमेंट में सहूलियत होगी और दूसरा इसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी होगी। सबसे इसका जो लास्ट में एक जो मेगा ड्रॉ होगा वो अप्रैल में होगा, जिसके तहत 1 करोड़ का इनाम है और आज पहला चरण है इसका, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इसके साथ ही डिजिधन मेला, इसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री करेंगे, जिसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन को और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि नोटबंदी के बाद नकदी की सबसे ज़्यादा किल्लत होती रही है। लिहाजा नीति आयोग ने तरह तरह के ऐलान किए थे, प्रधानमंत्री की तरफ से भी किए गए थे, उसी के तहत आज इस डिजिधन मेला की शुरुआत भी है। मीमांसा जी, और आधार पे और साथ ही साथ यूपीआई और यूएसएसडी, इसके रीब्रांडेड वर्जन की भी बात की जा रही है, जो कि लॉन्च करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल मीमांसा, देखिए, पहले ही आधार कार्ड के जरिए आपका कैसे पेमेंट कर सकते हैं, इसको सरकार पॉपुलराइज कर रही है, लोगों को सिखा रही है, ट्रेनिंग दे रही है। इसके अलावा 27 जो नेशनलाइज बैंक हैं, उनके भी अपने अपने ऐप हैं और कैसे डिजिटल आप पेमेंट करें वो भी लगातार सरकार यूथ को इसके माध्यम से ट्रेनिंग दे रही है, आम आदमी को इसके माध्यम से ट्रेनिंग दे रही है। सरकार इस दिशा में और कदम उठाना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था, जैसा कि पूरी तरह से जो इकोनॉमी है वो शिफ्ट करना चाहती है सरकार, डिजिटल ट्रांजेक्शन के मोड पर आए, कैश की कमी हो। यही वजह है कि बहुत सारे कदम आज भी उठाए जाएंगे और प्रधानमंत्री की तरफ से, जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो इस संबंध में ऐलान भी होंगे कुछ और। जी मीमांसा जी, ब्रह्म, और वैसे पहले मेले का जो आयोजन है वो गुरुग्राम में हुआ था, जिसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर ने किया, और अब इस मेले का आयोजन यहाँ पर तालकटोरा स्टेडियम में किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और उनको ये जानकारी देना कि किस तरह से वो डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देना, मकसद तो यही है। लेकिन और इसमें क्या क्या योजनाएं, कुछ नई योजनाओं के बारे में भी कुछ बताया जा सकता है, जैसे आधार में और ज़्यादा लोगों को एनरोल किस तरह से किया जा सकता है, उसे बैंक के साथ कैसे जोड़ना है, क्या इसके बारे में भी जानकारी लोगों को दी जाएगी वहां पर?
बिल्कुल, देखिए इस मामले कैसे आधार अधिकतर योजनाओं में धीरे धीरे लागू हो रहा है। हर दूसरे दिन सरकार की तरफ से नई नई चीज़ों का ऐलान किया जा रहा है और आधार से उन सबको कनेक्ट किया जा रहा है, सारी स्कीम्स को कनेक्ट किया जा रहा है। इसके पहले मीमांसा इंडिया गेट के पास ही स्टेडियम में, जो नेशनल स्टेडियम है, वहाँ पर हर सप्ताह जो डिजिटल मेला है डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए, तमाम बैंकों के साथ सरकार एक मेला हर सप्ताह मेला लगा चुकी है और लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी है। उसमें 27 बैंक के अलावा तमाम प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हुई हैं जो लोगों को ट्रेनिंग देती रही हैं। दर्शकों को जरा तस्वीरें भी दिखा दें, इस वक्त ये जो मेले का आयोजन है जिसमें शिरकत करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो तालकटोरा स्टेडियम में पहुंच चुके हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी। और वहां पर जैसे कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि जो दो अवार्ड स्कीम्स की घोषणा की गई थी, विजेताओं को आज इनाम दिए जाएंगे और इस स्कीम्स के बारे में जानकारी दे ही रहे थे ब्रह्मप्रकाश दुबे कि किस तरह से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का वहां पर आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ एक मोबाइल ऐप की भी घोषणा की जाएगी, लॉन्च किया जाएगा उसको और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी लोगों को। तो पीएम आज डिजी धन व्यापार योजना के तहत पहले लकी ड्रॉ विजेता की घोषणा करेंगे। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और आपको बता दें ये योजना सिर्फ व्यापारियों के लिए, जो व्यापारी या कारोबारी डिजिटल लेन देन से व्यापार करते हैं उनके लिए ये योजना लागू है। और इस योजना के तहत इनाम पाने के हकदार वही हैं, रुपए कार्ड, यूएसएसडी, यूपीआई और एईपीएस के जरिए पेमेंट करने वाले व्यापारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत हर हफ्ते 7,000 व्यापारी इनाम जीत सकते हैं और हर हफ्ते कारोबारी 50,000, 5,000 और 2,500 का इनाम जीत सकते हैं। 14 अप्रैल को मेगा ड्रॉ निकाला जाएगा और इस मेगा ड्रॉ के तहत पहले पुरस्कार 50 लाख रुपए का, दूसरा 25 लाख का और तीसरा 5 लाख का। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस अभियान से प्रेरणा लेते हुए भारत के सुदूरवर्ती गांव डिजिटल पेमेंट गांव बन गए हैं। यहां तक कि कुछ ऐसे गांव ग्राम पंचायत भी इनमें सम्मिलित हैं जिनमें अनुसूचित। और आपको बता दें पीएम मोदी आज दो योजनाओं का लकी ड्रॉ निकालेंगे। सबसे पहले आपको लकी ग्राहक योजना के बारे में जानकारी दे दें, ये जो योजना है वो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए है। लकी ग्राहक योजना सामान्य उपभोक्ताओं के लिए है। इस योजना के तहत डिजिटल पेमेंट करने वालों को इनाम दिया जा रहा है। चार तरीकों से डिजिटल पेमेंट करने पर ही आप इनाम के हकदार होंगे। 25 दिसंबर 2016 से लकी ग्राहक योजना की शुरुआत हो चुकी है और इस योजना के तहत अब तक 75,000 लोगों को इनाम दिया जा चुका है। रोजाना लकी ड्रॉ के जरिए 15,000 विजेता चुने जा रहे हैं। हर लकी ड्रॉ विजेता को योजना के तहत 1,000 रुपए दिए जाते हैं। इस स्कीम में हर दिन, हर हफ्ते और एक मेगा लकी ड्रॉ है। हर हफ्ते कुल 7,000 लोगों को तीन तरह के पुरस्कार दिए जाने हैं। 25 दिसंबर से 100 दिनों तक चलेगी ये लकी ग्राहक योजना। लकी ड्रॉ के जरिए कुल 15 लाख लोगों को इनाम दिए जाएंगे। इस योजना पर सरकार के 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 14 नवंबर 2017 को योजना का मेगा ड्रॉ निकाला जाएगा और इस मेगा ड्रॉ के तहत 1 करोड़, 50 लाख और 25 लाख का इनाम, 50 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक के भुगतान भी इस योजना के लिए मान्य करने के लिए कितने दृढ़ संकल्पित हैं। मैं हृदय से तो तालकटोरा स्टेडियम की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। मोबाइल ऐप लॉन्च होना है वहां पर, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें, डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर पाएं, इसी से जुड़ी हुई ये मोबाइल ऐप है जिसे लॉन्च किया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी देंगे पीएम मोदी आज के इस कार्यक्रम में।